नाइन्थ क्लास स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपन की नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट क्लास होगी और फर्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ। आपके नाइन्थ क्लास का सिलेबस जो लास्ट ईयर था वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास सिलेबस से चेंज हुआ है और वो आपकी बुक है CBSE वाले सिलेबस वाली बुक है, वो आपकी न्यू बुक आ गई है RBC की। जो CBSE के जो चैप्टर थे वही है, ये आपकी न्यू बुक है, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपको देख लेना, ये ऐसे आपको न्यू बुक मिलेगी और परचेज कर लेना, ओके। और फर्स्ट चैप्टर इस बुक का है आपके नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम? तो आज बेसिक फर्स्ट पीरियड के अंदर अपन क्या करें, कुछ बेसिक नंबर है उनके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, ओके। तो क्या है नंबर सिस्टम के अंदर, ओके, फर्स्ट नंबर का टाइप है नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इधर देखना, आपको नेचुरल नंबर होते हैं जिसको अपन कैपिटल एन से सिंबल करते हैं। किससे? कैपिटल एन से सिंबल करते हैं नेचुरल नंबर को, और वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। इन्फिनिटी यानी उसका कोई अनंत नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, अनंत का सिंबल है, इसको आप नॉट डिफाइंड यानी कंटिन्यू चलते रहते हैं अनंत तक, इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर। फिर आपके सेकेंड आते हैं वॉल्स नंबर। क्या होते हैं वॉल्स नंबर? वॉल्स नंबर क्या होते हैं? वॉल्स नंबर आपके नेचुरल नंबर, वॉल्स नंबर है वो ही आपके नेचुरल नंबर से, परंतु इसमें एक्स्ट्रा में क्या है, आपके जीरो। ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, और वॉल्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चलते हैं। वॉल्स नंबर कौन से हो गए जो 0 से स्टार्ट होते हैं, वो वॉल्स नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। दोनों में इतने डिफरेंट है कि वॉल्स नंबर में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। फिर आप क्या आते हैं इवन नंबर। क्या आते हैं इवन नंबर? इवन नंबर आप सब जानते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो कोई लास्ट नंबर है, नंबर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट यानी 0, 2, 4, 6, 8। कोई नंबर है उस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, या वो किससे डिवाइडेड हो? 2 से डिवाइडेड हो, किस डिवाइडेड बाई 2 से डिविजिबल हो, तो वो कैसे नंबर हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन से नंबर आते हैं? ऑड नंबर। कौन सा? ऑड नंबर, ये भी आप जानते हो। ऑड नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर जिसके लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए? लास्ट यूनिक डिजिट, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट ए के बाद कितना होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ओके। ये आप नोट कीजिए, नेक्स्ट। अब नंबर लेते हैं, नेक्स्ट नेचुरल हो गया, वॉल्स हो गया, इवन ऑड हो गया। अब लेते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से ही डिवाइड हो और एनी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर को स्वयं इटसेल्फ डिविजिबल, जो अपने से डिविजिबल हो वही नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। एग्जांपल जैसे 2 है, 2 के अंदर केवल 2 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। फिर 3 केवल 3 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। फिर
फोर टू से डिवाइड हो रहा है, फिर फाइव, ये कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। फाइव के बाद में सेवन, सेवन के बाद में इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी नाइन, थर्टी वन, थर्टी सेवन, फोर्टी वन, ये कैसे डॉट डॉट कंटिन्यू चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक? ये कैसे है? प्राइम नंबर जो देखो टू टू से डिवाइड हो रहा है, थ्री थ्री से डिवाइड होता है, एनी और किसी नंबर से नहीं होता। फाइव केवल फाइव से डिवाइड होता है, सेवन सेवन से डिवाइड होता है, वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? आपके जो नंबर प्राइम नंबर कौन से हैं? जो अपने से डिवाइड होते हैं वही प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट आप क्या आते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या हो जाते हैं? ये आपके कैपिटल जेड से सिंबल करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। या इंटीजर्स को आप ऐसे भी सिंबल कर सकते हैं जेड से, और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर होता है इंटीजर, जीरो जीरो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स नंबर कितने टाइप के हो गए? थ्री टाइप, जिसमें पॉजिटिव भी होंगे, जीरो भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इसमें अपन एक लाइन बना के समझते हैं। एक लाइन बनाई मैंने और लाइन के मिड पॉइंट जीरो। ओके, लाइन की लेफ्ट साइड में तो क्या होगा? नेगेटिव नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या होगा? लाइन के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव, जैसे जीरो, फिर वन टू थ्री फोर, इधर क्या होगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। ये आपके कैसे नंबर है? इंटीजर्स नंबर है। इन इंटीजर्स नंबर को मैंने किस पे किया? नंबर लाइन पे शो किया। नोट कीजिए, फिर आपके आते हैं रिएशनल नंबर, जो आपके इस चैप्टर फर्स्ट में सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे। रिएशनल नंबर, रिएशनल नंबर रिएशनल नंबर होता है, एक इसके अपोजिट इरिएशनल नंबर होता है। दोनों साथ में समझ लेते हैं। इर रिएशनल नंबर, इरिएशनल नंबर और रिएशनल। पहले अपन रिएशनल नंबर समझते हैं। रिएशनल नंबर क्या होता है? इससे शॉर्ट में अपन डेफिनेशन नोट करते हैं, लॉन्ग में इसे कैपिटल क्यू से सिंबल करते हैं। रिएशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। इक्वल में इसकी डेफिनेशन मैथमेटिक्स फॉर्म में नोट कर रहा हूँ। क्या होने चाहिए? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे रिएशनल नंबर। कैसे होंगे? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ओके, एंड पी एंड क्यू, पी और क्यू की किसको बिलोंग टू करना चाहिए? इंटीजर बिलोंग टू, ये ई की टाइप पे सिंबल बना हुआ, इसको बिलोंग टू हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। किसके अंदर बिलोंग टू होना चाहिए? जेड। जेड किया है यहाँ पे इंटीजर्स नंबर, जिसने हमने सिंबल किया जेड इंटीजर्स नंबर। ओके, एंड क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो। रिएशनल नंबर क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए? P अपॉन Q के फॉर्म में होने चाहिए, और P एंड Q बिलोंग टू करना चाहिए इंटीजर्स नंबर यानी Z,
एंड क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो, तब आपके कौन से नंबर हो जाएंगे, रिएशनल नंबर। कैसे नंबर हो जाएंगे, रिएशनल नंबर। अब एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मैंने नोट कर दिया 1/2 कैसा नंबर है, रिएशनल नंबर, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जीरो, जीरो भी एक ऐसा रिएशनल नंबर होता है, जीरो क्या होता है, रिएशनल नंबर होता है। जीरो के अकाउंट में कुछ भी नंबर नोट कर देते हैं तो भी कैसे होता है, रिएशनल नंबर होता है। जीरो अकाउंट कोई नंबर नोट कर दिया तो वो जीरो ही होगा और वो रिएशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट माइनस के 22/23 ये भी कैसा है, रिएशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट 22/7 ये कैसा है, रिएशनल नंबर है। ओके, रूट के अंदर मैंने लिख दिया 4, ये कैसा है, रिएशनल नंबर। कैसे, क्यों, ये 2 का क्या है, स्कोर है। आगे समझो, मैंने लिख दिया 25, तो ये किसका स्कोर है, 5 का, तो ये भी कैसा है, रिएशनल नंबर है। अब जो रिएशनल नंबर है इसके अलावा जो बच्चे हुए हैं वो सारे कैसे हैं, ये रिएशनल नंबर। ये रिएशनल नंबर के एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके एरिया फाइंड करते हो सर्किल का, तो क्या यूज लेते हो, पाई, पाई यूज लेते हो, ये क्या है, ये रिएशनल नंबर है। ओके, रूट के अंदर 15, अब 15 किसी का स्कोर नहीं है, तो ये 15 कैसा है, कैसा है, ये रिएशनल नंबर। और लिख दो रूट के अंदर 17, ये कैसा है, ये रिएशनल नंबर। नेक्स्ट रूट के अंदर 15/5 ये कैसा, ये रिएशनल नंबर। ओके, और ये कहता है इसके अंदर ई, ई भी एक के नंबर्स होते हैं जिसका 2.173 होता है, इसके इक्वल में ये भी कैसा है, इरिएशनल नंबर। ओके, ये रिएशनल और इरिएशनल नंबर आपको नोट करना है, नोट कीजिए। नोट कीजिए, नेचुरल नंबर हो गया, होल्स नंबर हो गया, इंटीजर्स नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, रिएशनल और इरिएशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन कुछ रिएशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और रब करें। अब रिएशनल नंबर में क्या है, आपको 8 क्लास में हमने पढ़ा था, आपके 2 रिएशनल नंबर दे दिए, मैंने दे दिए। ये एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, इफ ए एंड बी आर रिएशनल नंबर, कैसे नंबर है, रिएशनल नंबर। ओके, इफ ए एंड बी आर रिएशनल नंबर है और बिटवीन, फाइंड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी रिएशनल नंबर, क्या करना अपन को, ए एंड बी आपको क्या दे रखा है, रिएशनल नंबर, और फाइंड करना है ए एंड बी के बिटवीन में क्या फाइंड करना है, रिएशनल नंबर। कैसे फाइंड करेंगे, इधर देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए और बी, इनके बीच में अपन को क्या फाइंड करना है, रिएशनल नंबर। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 3 एंड 4 है, इनके बीच में रिएशनल नंबर फाइंड करें, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 इजिकल टू 7/2। ओके, तो 7/2 क्या हो गया, रिएशनल नंबर हो गया।
ओके, जो आपको ये ए प्लस बी वैल्यू मिलेगी अपॉन टू, तो ए से तो ये क्या होगी बड़ी और बी से क्या होगी छोटी, बी से क्या होगी छोटी वैल्यू होगी, मतलब ए से लेस देन ए प्लस बी और बी लेस। ओके, ये नोट कीजिए, इन नंबरों को नोट कीजिए। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे नंबर शो करना है। क्या करना है, नंबर लाइन पे नंबर शो कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे नंबर शो करना है कैसे, जैसे मैंने एक दे दिया आपको माइनस के टू, ये नंबर लाइन पे शो कीजिए, तो आप क्या करोगे, ये लाइन बना दी यहाँ पे जीरो और नेगेटिव नंबर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का वन और माइनस का टू, इसी लेके चलते हैं, फिर अपन आर लेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, सेव फोर प्लस के फोर नंबर लाइन से शो करना है, क्या बनाओगे, लाइन बना दी जीरो वन टू थ्री और फोर हो गए, यहाँ पे ये फोर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस पे टू हो जाएगी, ये नंबर तो हो गए। अब अपन को क्या करना, फ्रैक्शन में आ जाए, कैसे आ जाए, फ्रैक्शन के अंदर जैसे मैंने लिख दिया थ्री या वन अपॉन टू, इजी लेके समझाते हैं और फिर आर चले, वन अपॉन टू आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो ये वन और ये माइनस का वन, ये माइनस का टू और ये माइनस का सॉरी प्लस का टू। अब इसमें क्या करना, वन और वन अपॉन टू, तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, वन अपॉन टू यानी हाफ, तो जीरो और वन के बीच में स्मॉल लाइनें कितनी होती है, टेन होती है, कितनी होती है टेन, तो इनमें से वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव पे लाइन कौन सी आ रही है, ये आ रही है, तो इसकी जगह आप वन अपॉन टू नोट कर सकते हैं। आगे समझे, ऐसे आपको नंबर लाइन पे नंबर शो करना, यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव की ओर। अब ये हमने किस कौन सी क्लास के अंदर किया था, एट क्लास के अंदर किया था। अब अपन को नंबर लाइन पे नंबर शो कैसे करने हैं थोड़ा अलग से है, वो अभी सीखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखो, सफिशेंट है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नंबर लाइन और एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके,